अफीम तोल को लेकर लंबे समय से असमंजस में पड़े किसानों के लिए एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। खबर के मुताबिक अफीम तोल प्रक्रिया पूर्वानुमान के अनुसार 6 मई से प्रारंभ होने जा रही है। नारकोटिक्स विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और शासन के आदेश अनुसार स्थानीय प्रशासन के सहयोग से क्रमबद्ध तरीके से अफीम तोल शुरू किया जाएगा। नारकोटिक्स विभाग के डिप्टी कमिश्नर प्रमोद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के चलते अफीम तोल पहले ही लेट हो चुका है, लेकिन शासन से जो स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसे ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन के आदेश अनुसार तोल प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चरणबद्ध तरीके से एक बार में 50 किसानों का अफीम का तोल किया जाएगा। साथ ही तोल प्रक्रिया स्थानीय परिसर में महत्वपूर्ण होगी। यह प्रक्रिया लगभग एक माह तक चलेगी। वहीं अफीम तोल को लेकर किसानों की निर्धारित संख्या में आदेश अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। कोविड-19 के चलते जो अफीम की जो तोल प्रक्रिया में थोड़ा देर हुई, लेकिन अभी जो स्थानीय प्रशासन है उनके सहयोग से और उनके जो आदेशानुसार हम लोग अभी ये करीब जो मध्य प्रदेश में 8 केंद्रों पर हम लोग तोल कार्य शुरू कर रहे हैं और उसमें एक पारी में केवल 50 किसानों को बुलाया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने को बोला हुआ है। सभी उनको इस बात का पालन किया जाएगा उसे, और कोविड-19 के चलते हुए जो भी आवश्यक सावधानियां बरतनी है उन सबको बरतने के लिए सभी अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं, तो इसी लिए सब जगह तैयारियां चल रही हैं। और मेरा सभी जो किसान भाई हैं उनसे भी ये अनुरोध रहेगा कि वो जब तोल केंद्र पर आएँ या आते समय पूरी प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पूरा ध्यान रखें, और किसी भी तरह से अगर उन्हें अस्वस्थ हैं किसी तरह से तो वो तोल केंद्र पर ना आएँ। नारकोटिक्स के अनुसार प्रथम खंड में नीमत, जावद और जीरन को मिलाकर 195 गांव के 5,924 किसानों की अफीम का तोल किया जाएगा। द्वितीय खंड में सिंगोली क्षेत्र में 139 गांव के 3,718 अफीम कृषक व तृतीय खंड में मनासा में 154 गांव के 4,584 अफीम किसान शामिल हैं, जिनकी अफीम का तोल किया जाएगा। अफीम तोल को लेकर नारकोटिक्स विभाग ने आवश्यक तैयारी भी पूर्ण कर ली है। इसके अनुसार 200 मीटर का व्हाइट हाउस पंडाल बनाकर तैयार किया है। किसानों के लिए कूलर, कुर्सियां, हरी ग्रीन मैटिंग बिछाकर पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है।